पहला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है चोलामंडलम फिनेंस का चोला फिन। इसमें एक साइडवेज रेंज डेवलप हो रही है पिछले 4-5 दिनों से, और इसमें दोनों तरफ ब्रेकआउट की उम्मीद लग रही है। 50-50 चांसेस है, जिस साइड ब्रेकआउट मिले उस साइड आपको ट्रेड लेना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 190 के नीचे, ये 15 रुपये नीचे आ सकता है 175 तक, और अगर ये 210-212 निकालने में कामयाब होता है तो ये 230 तक ऑन दी अपसाइड एक मूव ले सकता है। डेली चार्ट पे कॉन्ट्रेक्शन क्लियरली देखा जा सकता है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है ग्रासिम का। ग्रासिम में भी पिछले 4-5 सेशन से रेंज कॉन्ट्रैक्शन चल रही है इस एक बड़ी कैंडल के बाद। अगर लोअर डिग्री चार्ट्स पे देखें तो ये ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न है, और कल के सेशन में अगर ये 630 के ऊपर निकलता है तो ये अपना स्विंग हाई 650 के अराउंड टेस्ट करने जाएगा, और उसके ऊपर 670 तक भी जा सकता है। डाउन साइड में इमीडिएट ये लेवल सपोर्ट का काम करेंगे, इसलिए इस स्टॉक में हमारा बायस पॉजिटिव है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishree.com. अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है HDFC बैंक का। HDFC बैंक में यहाँ से कंसोलिडेशन चल रही है इस बड़े मूव के बाद। कल के सेशन में अगर ये 1051 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो ये 1095 तक जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये नीचे साइड में 1010 तोड़ के ट्रेड करने में कामयाब हुआ तो इसमें 30 से 40 रुपीज़ की डाउनसाइड बनेगी 970 से 950 के बीच में। अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है LIC हाउसिंग फिनेंस का। LIC हाउसिंग फिनेंस में इस बड़ी कैंडल के बाद से एक नैरो कंसोलिडेशन चल रहा है उसी के अंदर, और लोअर डिग्री चार्ट्स पे देखें तो ये 280 ऑन द अपसाइड और 265 ऑन द डाउन साइड की एक रेंज बनाए हुए। 280 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो ये 296 एंड उसके बाद 305 तक जाएगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर ये नीचे 266 तोड़ता है तो ये 245 से 242 के बीच में आ सकता है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इस बड़ी मूव के बाद से 4-5 स्मॉल कैंडल्स फॉर्म हुई है, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। कल के सेशन में 1760 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो ये अपना स्विंग हाई 1800 टेस्ट करेगा, और 1800 के ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो ये वापस नीचे 1650 के टारगेट ओपन करके चलना चालू करेगा। डेली ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।